नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैं बागेश्वर धाम गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा तुम्हें। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अब जो होने वाला है सुनकर आप सभी की होश ना उड़ जाए तो फिर कहना, जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगी। अब आप सभी के जीवन काल में जो बदलाव होने वाले हैं, जो खुशखबरी आप सभी को मिलने जा रहे हैं, वाकई में यह आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब भगवान का दिया तोहफा आप सभी को मिलने वाला है। यह तोहफा नहीं आपकी कर्मों का फल है जो आपको मिलने जा रहा है, परंतु आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक आपको यह खुशखबरी पहले ही मिल जाना था। जी हां दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान श्री राम के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम आपके सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा सब कुछ समाप्त कर देंगे और खुशी से आपका घर आंगन भर देंगे। तो दोस्तों, जरूर ही प्रेम से एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है। बस हमारा शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए, हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां ले आते हैं क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुट जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी के हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आपको संभालना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है ये 5 चीज है तो इन्हें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए ये दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वह आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर अच्छे कर्म को सूख जाती है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है, फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी वाली दो चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझा, नहीं बताया है कि जो चीजें कितनी खतरनाक हैं, तो बनी रही वीडियो में हमारी साथ। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि यह आपको वह देगा जो अब तक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिला है। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो में न केवल आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा,
जब लबालब आपके घर में भरी होगी तो जो भी दैवीय कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे उनका संपूर्ण पर आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है प्रभु श्री राम है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्त याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वयं राम जी है और राम का स्वामी स्वरूप माथुर राम है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हम वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ध्यान की बातें लिखकर आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपकी इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात को ही करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वह इसी प्रकार चली भी जाती है। ये दोस्तों से लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कौन सी पांच चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ताकि साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए, जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों में यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना साफ दिख रहेंगे कितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्त, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, आपको बुरा ही। और दोस्तों, आपने ठंड देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फैंसी गया, बदली में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लग रूबी क्या है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं, लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। यहां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं, या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर खाद करते हैं, और घाट पर कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था, क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे। निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा
अभी तो बुरा ही लेकर आता। जी हाँ दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अब वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है झुलकर जी को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं, बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वैसे भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आपके पैसे को काटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जवाब रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में अपना बजट खराब कर देती है और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे, वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहे। आपका पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है, वैसे तो आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन से आपको परेशान करने लगते हैं तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है, और उनमें से आखिरी की 2 चीजें, तो इनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों ध्यान से सुने, सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के उनके स्थानों पर ही रखते हैं या नहीं, जहां वह रह रहे हैं उसे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों का भारतीय आने टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो मैं आपके घर के उठ जा चित्रकूट दर्शन कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं बाहर रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर, और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखिए कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तल घर वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं तो निचली मंजिल पर उसका बालों को रखेंगे। नहीं, आप जहां रहे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तू भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा, यांत्रिक रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है।
यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान किस किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कप का सेट है, क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है या नीचे ऐसा वह पैक आया था, वैसा ही आपके घर में पैक रखा है तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, में नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ऐसे लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं और जहां तक है, जी हाँ दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरे परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल लें, चल मिले लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर लें, उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलाने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती है। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रह रहे हैं उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का मुझे शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाई। कि दोस्तों, तीसरे चीज के बारे में ध्यान से सुने, इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के, यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व की ओर फटे हुए नोट, काफी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में घुसने मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है, यहां खरीद कर लाते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी हिम्मत दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हां दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुए ना, तो हम सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दीदी सकती हैं, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम ही मत देना, यानी उपहार नहीं, जान नहीं, बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें, भूले से भी अपने मन में यह भावना देकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आप कुछ का विशेष ख्याल रखना है, तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी का बाढ़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंका है। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसे चुपचाप दे भी दें, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कौन सी है वह तीन चीजें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछुए को, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का टीका, किस धातु का बना हुआ एक कछुआ ने, और खुशी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। जी हां दोस्तों, कछुए का वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक महत्व, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और यदि अपने धर्म शास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है,
उस घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर शहर ही जाएगी, तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ 14 अजीब है, तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उस कछुए को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उस कछुए को रहते हैं, थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकला रहे, और से आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह प्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा, उत्तर को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो अच्छी लगानी चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये बेहद उत्सुक है और आपके घर में धन पानी को भर देगा। जी हां दोस्तों, आपको यह करना है, गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज जलाना है, शाम के समय जलाना है, ऐसा भी अधिकृत लगा था। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। और दोस्तों यह भी याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें, कोई भी गंदा सामान, टूटा फूटा सामान विदिशा में ना रखें, और हो सके तो कुछ हरियाली इस दिशा में रखें, यानी कि फूलों के पौधे या गमले, थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रखें, जिससे कि यह दिशा सुगंधित हो जाए, सुंदर हो जाए, क्योंकि यह धमकी देता है, अमीर की दिशा है, इसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। आपका पैसा कल ही बर्बाद नहीं होगा, और ना ही नहीं, तमाम शोधों से आपके घर में रुपया पैसा आता है, चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत गहरी अध्ययनों के बाद इस वीडियो को बनाया, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के